हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे टाटा गैलेक्सी शेयर के बारे में। आज इसके रिजल्ट आए तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये इसकी जो मैंने इसकी बैलेंस शीट ओपन करी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें कंसिस्टेंट इसमें ना रेवेन्यू ग्रो हुआ। इसमें 30 जून 2021 अगर 21 का हम देखेंगे तो वहाँ पे उसके उसमें मार्च में 31 में देखेंगे 2022 में वहाँ पर जंप हुआ है। अब 30 जून 2022 का हम देखेंगे तो वहाँ पर कंटिन्यू जंप हो रहा है अभी इसमें इसमें और उसमें जो टोटल इनकम है वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ हुई है। और उसके अलावा हम बात करेंगे फिर उसके बाद, जैसे नेट प्रॉफिट हम देखते हैं टैक्स वगैरह जो हटाने के बाद जो फाइनल रहता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो हमारे लिए मेन सब चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है नेट प्रॉफिट। हो सकता है कि एक बार सेल्स ज़्यादा होती है पर एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा होते हैं तो वो नेट प्रॉफिट कम होता है। तो हमें ओवरऑल जो टारगेट करना है वो नेट प्रॉफिट पर करना है। तो इसमें नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये सब लाखों में दे रखा है। तो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पर हम देख सकते हैं 11,337 रुपये यहाँ पर इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद बड़ा फिर 16,000 के अप्रोक्स हुआ, फिर 18,000 साढ़े 18,000 के अप्रोक्स वहाँ पे हुआ। तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है इसमें। और आज भी शेयर ने अच्छा मोमेंट दिया था, नीचे की तरफ आया था ये, पर इसने सस्टेन नहीं करा तो ऊपर वापस क्लोजिंग जो इसकी ऊपर की तरफ हुई है। तो अभी तो हम पहले फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर टेक्निकल के बारे में थोड़ा इसका आइडिया दे दूंगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। अब फंडामेंटल्स में हम देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर इसका काफ़ी अच्छा बढ़ा है। नीचे आप 10th नंबर का जो पॉइंट है वो देखेंगे इसमें, तो अर्निंग पर शेयर भी इसका कंटिन्यू ग्रोथ हुई है इसमें। तो ये आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी इसको ऐड कर सकते हैं अपने उसमें पोर्टफोलियो में। और इसको ये है कि मेरा डिस्क्लेमर एक चीज़ है, अपने जो भी कंसल्टेंट से आप इसको एडवाइस लेके करें और इसको SIP मोड में करें। ऐसा यूँ नहीं कि बल्क में आपने एक साथ इसमें पैसा लगा दिया बहुत सारा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 1 दिन में 2 दिन में रिटर्न सारा मिल जाए, तो वो चीज़ तरीका गलत है। तो आप इसको चाहें तो SIP मोड पर कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि जितना भी मार्केट गिरा था उस कंडीशन में भी ये शेयर इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, उसने वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो करी है। और टाटा ग्रुप का शेयर है तो ट्रस्ट का तो अपने आप आ ही जाता है इस चीज़ों में। ये तो ही फंडामेंटल की बात है, रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इसमें, एक्चुअली आज भी ऐसा हुआ था, माइंडट्री के रिजल्ट अच्छे आए थे पर उसमें हुआ ये था कि गेप अप हुआ था कुछ 60-70 पॉइंट का और उसके बाद कंटिन्यू उसमें शार्प फॉल आया था। तो ये चीज़ हो सकता है कल इसमें गैप अप ओपन हुए कुछ अच्छा खासा, इसमें 200-250 पॉइंट नॉर्मल सी बात है, होने में दिक्कत बड़ी बात नहीं इसमें, तो वो चीज़ हो सकती है। उसके बाद आप देखना इसमें सस्टेन कितना करता है, ऐसे नहीं कि गैप अप होते ही हम उसमें एंट्री कर लें, तो थोड़ा सा वेट करना। और जो भी उसमें लो रेट पे मिले तो वहाँ पे हम वेट करने के लिए इसके सोच सकते हैं। 15 मिनट का एक बार लो और हाई देख लेना उसमें कि क्या रहता है उसमें शेयर की प्राइस का। और अब हम बात करेंगे टेक्निकल के बारे में। अब टेक्निकल पे बात करेंगे तो हम आज जो इसका लो बना था अप्रोक्स 7,500 करीबन के आसपास ही आया था, सॉरी 1 मिनट, 7,600 के आसपास ही आया था। तो इसका जो इसका लेवल है अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ इसको दिक्कत आ सकती है 8,200 के सब अप्रोक्स में। ये जो मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे 8,238 से लेकर 8,261 तक, 8,261 8,238 के वहाँ। और नीचे का जो लेवल है इसमें सपोर्ट का वो है 7,691 के वहाँ पे अप्रोक्स। इसको आप क्लोजिंग बेसिस पे मानना। आज भी क्या हुआ था, ये नीचे तो आया था लेकिन इसने सस्टेन नहीं करा वहाँ पे, और इसमें क्लोजिंग दी इसने ऊपर की तरफ 7,799 के वहाँ पे, मतलब 7,800 के आसपास वहाँ पे। तो मेन चीज़ जो है वो आप क्लोजिंग को कंसिडर करा करें क्योंकि मोमेंटम इसमें इंट्राडे में अगर हम तो डेली मोमेंटम होते रहते हैं इस तरीके के। तो आप कल चाहें तो इसको एक प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका जो हाई है अभी तक का ऑलमोस्ट इसका 9,000 से ऊपर का है, 9,500 का, तो धीरे एडिशन इसमें आप कर सकते हैं। और आप अपने कंसल्टेंट से एक बार इसके बारे में एडवाइस ले लें, कोई भी शेयर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं मेरी इसको लेके।